आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करी है 11th क्लास की, और उसमें हमने कुछ पार्ट्स कर लिए हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा। और अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके प्रीवियस पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर जब आप विजिट करेंगे, तो वहाँ पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स 11th क्लास के नाम से, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज जो है हम इस पेज से स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर ख़त्म किया था, तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स, मतलब सांख्यिकी के जो उपकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनमें किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो सिंपली मैं पहले बुक लैंग्वेज पढ़ती हूँ, देन उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। ठीक है, सांख्यिकीय अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीक या उपाय का प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकों का उपायों को सांख्यिकीय उपकरण कहते हैं, मतलब सिंपली स्टैटिस्टिक्स के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है उनको स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते होंगे, ये तो सिंपल चीज़ है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए संगणना तथा निर्देशन जैसे तकनीकें हैं, मतलब सैम्पलिंग या सेंसस, और आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण के लिए आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखाओं की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सिंपली बच्चे यहाँ पर आप लोगों को टेक्निक्स दिख रही हैं, इनका यूज़ करना है और इन टेक्निक से ही आप लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको यही चीज़ें लिखनी है, सिंपल। ठीक है, और किसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स? सांख्यिकी अध्ययन के लिए प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीक या उपाय का जो प्रयोग किया जाता है, इन तकनीकों या उपायों को ही क्या बोला जाता है? सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए तो सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएँ तथा उससे संबंधित सांख्यिकीय उपकरण, इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सांख्यिकीय अध्ययन है और सांख्यिकीय उपकरण है। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना है वैसे, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा आता नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पेज में ये लोग आगे क्या बोल रहे हैं कि जो सांख्यिकी का क्षेत्र है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इस तरीके से कि सांख्यिकी का क्षेत्र जो है वो कैसा है। सांख्यिकी के क्षेत्र का अध्ययन तीन भागों में किया जा सकता है, एक्टिव वाले जाना मेरी, तीन भागों में किया जा सकता है। सांख्यिकी की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी की सीमाएं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है सांख्यिकी की प्रकृति है, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा और आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि प्रकृति कैसी है? सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों ही हैं, और स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ये आपको एज इट इज़ लाइन लिखनी है। उसके बाद में विज्ञान के रूप में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती है। कला के रूप में सांख्यिकी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्रात्मक आंकड़ों से संबंधित है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग करके हम वास्तविक जीवन की समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सकते हैं एवं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आज आगे आता है कि इसलिए भारत में बेरोजगारी की समस्या का अधिक अर्थपूर्ण रूप से विश्लेषण किया जाता है तथा बेरोजगारी के आकार से संबंधित मात्रात्मक आंकड़े पाए जाते हैं। मतलब इसकी अगर नेचर की बात करूँ तो ये क्या है, किस चीज़ का अध्ययन करवाती है? जब भी हमें किसी चीज़ का डाटा कलेक्ट करना होता है, जब भी हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जब भी हमें ऐसा देखना होता है कि वैज्ञानिक रूप से, मतलब कि साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकल हमें चाहिए होता है कि हाँ कितनी पॉपुलेशन जो है वो हमारे जो देश में है वो मंदिर जाती है, कितनी पॉपुलेशन जो है वो मस्जिद जाती है, ऐसे इस तरीके का जब हमें डाटे की ज़रूरत होती है, इस तरीके का डाटा हमें जब चाहिए होता है तो हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो प्रकृति के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं, आप इसको अपनी भाषा में बेटा बना बना के भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको बुक्स की लैंग्वेज ही सेम टू सेम रटनी है। ठीक है, सबसे ईजी चीज़ होती है बना बना कर लिखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप आराम से उसको बनाकर भी लिख सकते हैं, बस आपको मेन जो हेडिंग्स हैं वो याद होनी चाहिए। उसके बाद में आ जाता है सांख्यिकी की विषय सामग्री, सेकंड वाला क्या था, देखिए सेकंड था सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो विषय सामग्री में क्या चीज़ें आ रही हैं? सबसे फर्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड आ जाता है इन्फिनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए विवरणात्मक सांख्यिकी में क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण के लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि उदाहरण के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब यह तब प्रयोग किया जाता है जब आप अपने विद्यालय के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की औसत लंबाई की गणना करते हैं। इसी प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग जो है वो तब किया जाता है जब आपको ज्ञात होता है कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की विज्ञान तथा गणित में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। सिंपली अगर बोला जाए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों के अंदर बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ के लिए बारे में पता करने के लिए या उस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए जब हम दो चीज़ों को आपसे रिलेटिव करवाते हैं और उनके बीच का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को ही डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। ठीक है, ओके, देखिए एक दूसरे से में अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं,
इस तरीके का डाटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव में आता है, और इससे अगला जो है इन्फ्लुएंशियल में जो है आता है निष्क्रियात्मक संख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श सैंपल के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मतलब यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लो लेवल पर होता है, ये थोड़ा हाई लेवल पर होता है। ठीक है, इस तरीके से है। उदाहरण के लिए यदि आपकी कक्षा का अध्यापक केवल कक्षा के विद्यार्थियों के सैंपल के औसत, आगे क्या बोला जा रहा है कि औसत, बस आगे और क्लियर नहीं है बच्चे, तो आई थिंक इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव और जो इन्फ्लुएंशियल है इसके अंदर मेनली फ़र्क क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव होती है ये दो चीज़ों के लिए आपसे रिलेशन को बताती है, और ये थोड़े लोअर लेवल पर होती है। ठीक है, और ये जो है ये थोड़ा हायर लेवल पर होती है, जैसे पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा में यूनिवर्स हो गया, तो ये क्या है, ये हायर लेवल है ना। ये इसका जो डाटा है वो थोड़ी बड़ा होता है, बड़े लेवल का होता है, इसके जो नंबर्स होते हैं ये बड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस सब्जेक्ट को कभी भी मुश्किल में मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ट्वेल्थ में बहुत बच्चों की इसमें कंपार्टमेंट आती हैं, वो क्यों आती हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वो सिर्फ रटाते हैं, वो सिर्फ जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना सिर्फ पढ़ के बता देते हैं बस, बच्चों को उसके ऊपर से कुछ समझ तो आता नहीं है, सारा कुछ सर के ऊपर से जाता है। एक दो टीचर्स ऐसे होते हैं अच्छे जो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैं आपको फ्रेंकली तरीके से समझा भी रही हूँ ताकि बच्चों को एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता लगे, आगे तो वो जो लिखना है वो अपने मर्जी से लिख ही लेंगे। तो इस तरीके से है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, कुछ भी हो, इसको धीरे धीरे आगे सीरीज लेकर जाएंगे हमें जल्द ही। ये वीडियो जो है दो तीन ये पेजेस से बनाई हुई हैं, इसलिए थोड़ी सी ब्लर रहेंगी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं होप सो वो साफ़ रहेंगी और खुद के क्लियर पिक रहेंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।